देख रहे हो बाइसेप्स, ऐसे बाइसेप्स के लिए यहाँ पुशअप मारने पड़ते हैं, ऊपर तुंगनाथ जाके, ठीक है, तभी बाबा बोलेगी कितना बनती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. दीपक भाई, हर चीज कैमरे में नहीं आ सकती है भाई, रिकॉर्ड ही मत करो यार। ये नजारा कहाँ से रिकॉर्ड होगा बताओ यार। ये जो आंखों से दिख रहा है ना भाई, ये समाधि दे दो दीपक भाई इधर। भाई क्या नजारा था यार, कतई जहर। सुबह सुबह 6 बजे इसे कहते हैं दीपक भाई, बोलो इसे क्या कहते हैं बताओ जल्दी यार। भाई। चलो वो गौरी कुंड होगा भाई कुछ। चलो 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 यार ऊपर चलो भाई। यहाँ पे छोटा सा मंदिर, और ये दीपक भाई ने यहाँ पे कुछ बनाया भाई पत्थर से। तो दीपक भाई इससे होगा क्या, मतलब मैं समझा नहीं। एक्चुअली जब ट्रैकिंग करते हैं तो हमें ट्रैकिंग पे, मैंने ट्रैकिंग का कोर्स किया है, तो ट्रैकिंग पे हमें बताया गया है कि जब हम कहीं ट्रैक करते हैं, देखो यहाँ पे तो तुंगनाथ हाईएस्ट सिवा टेंपल है, और यहाँ पे तो बिल्कुल रास्ता बनाया हुआ है, पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, तो काफी एरिया ऐसा होता है। जैसे बुग्याल, जैसे मैं पवाली ट्रैक की बात करूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम गया था अक्टूबर में पिछले साल, तो वहाँ रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल ये रास्ता है नहीं, बुग्याल है। तो वहाँ पे ये बना के पत्थर से, इसको कुछ बोलते हैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, इसे हाईलाइट किया जाता है। ऐसे इतने ज्यादा नहीं बनाए जाते, एक टॉप पे बनाया होगा, एक दूसरे टॉप पे बनाया होगा। यहाँ तो बहुत बने हैं। रास्ते को मेजर, वो रास्ते को दिखाया जाता है कि ये आपका वे है और आपको इसी से डाउन आना है, ये जगह जगह बना के रखे रहते हैं वहाँ। फाइनली गाइस वी रीच्ड। दीपक भाई मंदिर को देख के कैसा लगा बताओ? अमेजिंग यार, वर्ल्ड हाईएस्ट सिवा टेंपल भाई यार, दुनिया का सबसे ऊंचा क्या कहे का मंदिर। हाँ शिव का मंदिर भाई, दिखाते हैं आपको, हल्का दिख रहा है यहाँ से, लेकिन ये जो हमारी आंखें देख पा रही है ना, वो आपको नहीं दिखा पाएंगे यार। सम वाइब्स डजंट कैच, ओनली आई स्कैन। देखो देखो भाई, दिख रहा है ना वो मंदिर, हल्का सा केदारनाथ वाला फील आ रहा है दीपक भाई पूरा। तो लेकिन गया तो मैं भी नहीं हूँ ना, लेकिन यार जहाँ से हम आए ना भाई, वो जगह तो दिखी नहीं रही, वो इन पहाड़ों के पीछे पीछे और नीचे और बर्फ हल्की फुल्की। तो चलिए चलते हैं सीधा मंदिर पे, कैमरा खोलेंगे भाई अब। चलो हाँ, वाह भाई असली बॉडी बिल्डर तो यार शिवजी की थी नहीं, यहाँ से वाइब आने लग गई भाई एकदम केदारनाथ वाली। कहाँ जा रहे, मेरी फोटो कौन लेगा यार, हद है भाई। ये अपनी फोटो ले रहा, मेरे को बोल रहा कि भाई बैटरी नहीं है और फोटोज लेनी, तो भाई मतलब मैं तुम्हारी फोटो खींचना आएगा ये बताओ पहले। लगभग सही है, सही है। हाँ यहाँ पे भाई आकाश कुंड है, ये मतलब क्या है अंदर दिखाओ, पता नहीं पानी तो है ही नहीं आकाश भाई, पानी नहीं दिख रहा, बर्फ बुरफ पिघल के आ रही मुझे लग रहा है यहाँ से और ये नीचे, यहाँ पानी नहीं है, वही तो बोल रहा है। दीपक भाई फुल सोच दी थी कि ना नहाने की सोच दी थी क्या? आप कितने बजे निकले थे? 6:15। जल्दी पहुंच गए यार। हाँ हमने भी बहुत शॉर्टकट लिए थे रास्ते पे। कहाँ से हो आप? अच्छा कोटद्वार से हो, 4x4 लगा रखा शायद आपने पैरों पे। ऐसा भाई अगर तुम्हें अभी प्यार नहीं हुआ ना, तो तुम्हें प्यार हो ही नहीं सकता भाई किसी चीज से यार। क्या जगह है दीपक भाई, कैसा लगा भाई इतना चढ़ के? अमेजिंग, व्हाट अ व्यू। हाय चलो यार बजाओ घंटी यार। बस वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल, वैसी वीडियो बना रहा हूं, स्लो कर दूंगा उसमें। चल नीचे से वही, चलो आओ बैग ऊपर ले जाओ, क्या दिक्कत है। सत्यम शिवम सुंदरम, अब तो हो गया
मैं खींच नहीं रहा, नहीं हो गया भाई। चलो भाई, इस आदमी ने ना हर दो कदम पे एक एक फोटो लिया, हर दो कदम पे भाई, हर दो कदम पे। जरूरी कैसे, क्यों जरूरी है? चलो ठीक है, कोई नहीं। भाई तो अभी तुंगनाथ से दर्शन करके ऊपर के चंद्रशिला की ओर निकले, और यहाँ का ट्रैक भाई कतई खतरनाक, खाई खाई भाई। एक भी टायर अगर बबलिंग हुआ तो सीधा नीचे, बड़ा भी गाड़ी अंदर भार हुई। हाँ, हैवी ड्राइवर चाहिए इधर के लिए भाई, बहुत वाला। ऐसा हेलमेट के साथ आना पड़ेगा। हाँ सुरक्षा ही, वर्ल्ड का पहला आदमी बनने वाला मैं जो हेलमेट के साथ चंद्रशिला का ट्रैक कर। बस भाई, दीपक भाई को बहुत चिंता थी, बोला यार हेलमेट पहन के चलूंगा, वो तो उतार दिया। लोग बोल रहे भाई हेलमेट पहन के क्यों चल रहा तू, तो दीपक भाई बोल रहा कि सुरक्षा ही क्या है जीवन है। हाँ धीरे चले, सुरक्षित चले। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ भाई, बहुत खतरनाक ट्रैक है, इधर जरूर आए। हाँ गेनिंग में मेरा खतरनाक, गेनिंग में तो भाई वेट लॉस हो जाता, फायदा क्या था चिकन खा के फिर हैं। अरे मुझे लग रहा कि अंदर के 1-2 किलो वेट गिर गया होगा, खाना को ना युवा नहीं कुछ 1-2 दिन से अच्छे कुछ चल रहा है। फैट लॉस की मैं भी सोच रहा था, और क्या पता भगवान ने सोचा होगा भाई इसका फैट लॉस ऐसे कराया जाएगा। हाँ, कहाँ जाना, इधर या इधर? चलो आफत आ गई क्या? नो, चलो वी आर गढ़वाली। यस वी आर पहाड़ी ब्रो, गढ़वाली आपको खून लगा हुआ रहता है। जेपी ग्रुप और बच्चों की काटने के लिए भूल गए। जाओ दीपक भाई केदारनाथ जाओ। यहाँ के तो केदारनाथ गया है, तुंगनाथ से नीचे की ओर जा रहे हैं, गए चंद्रशिला भी थे भाई, लेकिन फ़ोन बंद कर गया था, बड़ी मुश्किल से किसी पावर बैंक के थोड़ा चार्ज करा। और ये दीपक भाई फोटो लेने के लिए यहाँ, भाई क्या है ये है कुछ भी भाई, बॉडी पंप चाहिए, मतलब फोटो खींचनी है और बोल रहे पुशअप मारता हूँ भाई, ये कैसी बॉडी है यार, पंप करो फिर फोटो खिंचाओ। देख दीपक भाई देख रहे भाई, बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं यार। तो भाई ये ट्रैक इतना ही था, आगे अगर और कुछ भी कैप्चर कर पाएंगे डालेंगे, नहीं तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ़ोन पे बैटरी नहीं इसलिए ब्लॉग बंद करना पड़ रहा है। यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं थी, और चार्जिंग वाला सीन सून कुछ था नहीं, सोलर से काम चलता है, रात को 1 घंटे काम चार्ज करता, वो भी इस बंदे ने चार्ज नहीं करने दिया, अपना फ़ोन चार्ज करा मेरा नहीं करने दिया भाई। ये देख रहे हो बाइसेप्स, ऐसे बाइसेप्स के लिए यहाँ पुशअप मारने पड़ते हैं, ऊपर तुम नाच जाके ठीक है, तभी बाबा बोलेगी स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे। कुछ बोलना नहीं चाहोगे? बहुत मज़ा आया, एकदम मजा आया, अब सारी थकान मिट चुकी है, क्योंकि एक जो टारगेट होता है ना वो पूरा कर दिया। थोड़ा पापी मकाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन से भार छाती शाइन।